कि नारी के मुख से अगर एक बार निकल जाए कि मेरी जिंदगी तुमसे विवाह कर कर बेकार हो गई, उस समय नारी का सातित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए माताओं आपसे निवेदन है, जिंदगी में सारी लड़ाई लड़ना, सब कुछ बोलना, पर अपने पति से यह मत कहना कि तुमसे विवाह कर कर मेरी जिंदगी बेकार हो गई, क्योंकि विवाह तुमने किया है पर भाग्य उसने लिखा। भाग्य लिखने वाला वो है। और आपसे फिर निवेदन करूंगा, राम मंदिर जाओ, कृष्ण मंदिर जाओ, शिव मंदिर जाओ, भवानी के मंदिर जाओ, तुम्हारे 33 कोटि देवताओं के मंदिर चले जाओ, गणेश जी के मंदिर जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उस देवता के मंदिर जाना, कोई तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो तुमको भोगना पड़ेगा। तो बदलेगा कौन? तो उसका भी प्रमाण हमारे यहाँ शिव महापुराण कहती है। एक पारो नाम की विधवा, क्या नाम है उसका? नाम पारो, विधवा है, पति नहीं है, एक बेटा है। और विधवा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसका श्री शिवाय पति मर गया, नमस्तुभ्यम, वो गर्भस्था में बेटा रह गया और पति चले गए। पारो बड़ी दुखी थी, भगवान का भजन करती, बहुत घर में कुछ भी नहीं था, जो व्यापारी जो धन था उसके पति का वो सब लोग खा गए। जब जैसे ही व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक संसार उसका है, जैसे ही वो गया उसका सारा धन भी उसके साथ चला गया, व्यापार धन। रो पारो, आंखों से अश्रु बहता है, नैनों से जल बहता है, नैनों से बिंदु बहता है, और पारो की आंखों से जब आंसू बह रहा है, अश्रु निकल रहा है, जल बह रहा है, बेटे को जन्म दिया, उसने सोचा अपनी जिंदगी तो बेकार हो गई, पर बेटा जन्म लिया तो इसका नाम अच्छा रख दूं तो हो सकता है भाग्य आगे अच्छा हो, तो उसने उसका नाम भाग्य सिंह रख दिया। क्या नाम रखा? भाग्य सिंह। भाग्य अच्छा रहेगा इसका तो हो सकता है कुछ अच्छा कर ले, पर बेटे की भी किस्मत इतनी प्रबल नहीं। माँ जगह जगह बर्तन मांझ कर काम कर कर बच्चे का पालन कर ली, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, माँ मेरे सारे मित्र सेठ हैं, मेरा ही किस्मत, मेरा ही भाग्य ऐसा क्यों है, मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों है ऐसा? मां मेरी किस्मत में इतना दुख क्यों लिखा है? मां भोजन तक हमको समय पर नहीं मिलता, हमारा भाग्य ऐसा क्यों है? मां हमारी किस्मत ऐसी क्यों है? माँ कहती है बेटा जो ललाट पर लिखा उसे कौन टाल सका। माँ बच्चों को समझाती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार बता माँ, तू कहती है कि सब भगवान ने लिखा है भाग्य में, तो भगवान कहाँ मिलेगा मुझे बता दे। माँ बोलती है ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं, वन में मिलेगा? हाँ मिलेगा। माँ का कहना मानकर भाग्य सिंह वन में चले गया, और घने जंगल में भाग्य जब गया भाग्य सिंह और घने जंगल में जब पहुंच गया, ढूंढते 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 तो भी भगवान तो भगवान, भगवान की छाया तक नहीं मिली, भगवान की छाया तक। आंखों में जल भर गया, बेहोश होकर गिर गया। शाम का समय था, विष्णु और लक्ष्मी निकल कर जा रहे थे। लक्ष्मी और विष्णु जाते जाते उसको देखकर रूप बदल के उसके पास गए, बेटा आपका नाम क्या है? हमारा नाम भाग्य सिंह। कहाँ जा रहे हो? भगवान से मिलना है हमको। क्या काम है तुम्हें भगवान से? भगवान से पूछना है कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई, मेरी किस्मत में गरीबी क्यों लिखी, मेरे भाग्य में इतना दुख क्यों लिखा। मुझे भगवान से पूछना है कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई, मेरी किस्मत में इतना दुख क्यों लिखा। इतनी तो भगवान बोले, ये तो देखो भाग्य भाग्य की बात है, सबके भाग्य में अलग अलग होता है। नहीं नहीं मुझे भगवान से पूछना। तो हुआ क्या? मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत दुखी हूं, भगवान से प्रार्थना है कि मुझे कुछ मेरी जिंदगी का अच्छा कार्य कर दीजिए। लक्ष्मी जी को दया आ गई, नारायण से बोले, प्रभु इसको कुछ दे दो, थोड़ा सा इसके ऊपर कृपा कर दो। नारायण बोले, इसके भाग्य में नहीं है लक्ष्मी, इसके भाग्य में नहीं है लक्ष्मी, लक्ष्मी मैं दे भी दूंगा तो इसकी किस्मत में नहीं है। लक्ष्मी कहती है, आपका काम देने का है, आप तो दो। भगवान ने कहा, लक्ष्मी नहीं है भाग्य में, तुम तो दे दो। लक्ष्मी जी के कहने पर नारायण ने उसको एक हीरे का हार दे दिया, ले ये ले हीरे का हार। वो प्रसन्न हो गया, हीरे का हार मिल गया, और हार लेकर वो चला
और चलते चलते उसने सोचा मेरी मम्मी को दूंगा, मेरी माता को दूंगा, माँ बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। हीरे का हार लेकर जा रहा था, हार ले जाते उसको रस्ते में, इतने में उसको तुरंत उसी समय पर कहीं सोचा कि कर्म के लिए जाना पड़ा। उसने सोचा इस हार को इस पत्थर पर रख देता हूं, अभी आऊंगा वापिस इस हार को उठाकर घर लेकर चले जाऊंगा। और सोचा कि कर्म के लिए वो चल दिया, गया हाथ धोकर आया, इतने में एक चील उड़ती उड़ती आई, उसका हार लेकर चली गई। आके रोने लगा, माँ को जाकर कहा, माँ किस्मत तो देख, इतना जोरदार हार मिला था हीरे का, पर भाग्य में नहीं था, नहीं मिला। इतने में वो रोता रोता तुरंत फिर भगवान के पास गया, रोता बिलखता फिर पहुंच गया वन के अंदर, फिर भगवान मिले। भगवान ने पूछा, अब क्या हुआ? प्रभु मेरा हार तो वो हीरे का, मेरा हीरे का हार ले गई चील। भगवान बोले, देख भैया, हम तो तेरी किस्मत में था, वो कर दिया, अब आगे तू एक काम कर, ब्रह्मा जी से जाके मिले। ब्रह्मा जी कहाँ मिलेंगे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ब्रह्मा जी, मेरे भाग्य में गरीबी लिखी है, कुछ अच्छा कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप कृपा करो, लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा इसको कुछ कृपा कर दो। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, चलो इसका भाग्य बदलने के लिए एक हीरे की अंगूठी दे देता हूं। भगवान ने उसको हीरे की अंगूठी दे दी। अब हीरे की अंगूठी दी, फिर वो लेकर चला, इतना खुश था, अब मुझे हीरे की अंगूठी मिल गई, अब मुझे हीरे की अंगूठी मिल गई, इतना प्रसन्न होकर जा रहा था। इतने में इसको लग गई प्यास, इसने सोचा पानी पी लूं। पानी पीने के लिए इसने मुंह को करा नीचे, जेब में रखी थी अंगूठी वो पानी में लुढ़क गई, लुढ़कते सी एक मछली निकल गई, अंगूठी भी हाथ से। देखिए, कोई कितना भी साथ दे दे, पर भाग्य में अगर सुख लिखा होगा तो वो अपने आप मिले नहीं। फिर आया, फिर मां से कहा, मां ऐसा हो, माँ ने कहा चल जाने दे, तू रोज रोज बहाना बना के चले जाता है, दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, शाम को आता है और बहाने बना के कहां-कहां की स्टोरी सुनाता रहता है, ना जाने कहां-कहां की कहानियां सुनाता रहता है, चल काम पे जा, कुछ काम कर तो भाग्य बदलेगा। नहीं नहीं माँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, नहीं माना। फिर चले गया। नारायण नारायण ने कहा, एक काम करो, अब तुम शंकर जी के पास जाओ, शिव जी के पास जाओ। भोलेनाथ जी ने उसको हीरे की पोटली दे दी। वो हीरे की पोटली ले जाकर, अब की बार सोचा कहीं रुकूंगा ही नहीं, सीधे घर गया, मम्मी को याद करा, माँ 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 नहीं थी, उसने एक लोटे के अंदर हीरे रख दिए, मैं माता को ढूंढ के आता हूँ। माँ को ढूंढने गए, इसमें चोर घुस गए घर के अंदर, लोटा ही ले गए हीरे। फिर आके देखा, फिर माँ ने कहा, फिर बहाने बनाया तूने, फिर स्टोरी सुने, फिर कहानी सुने। माँ मैं सत्य कह रहा हूं, सत्य, आखिरी में हार गया। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने एक ही बात कही, तू शंकर के मंदिर की चौखट पर जा, वहां क्या करना पड़ेगा मुझे, कुछ मत करना, केवल उसकी चौखट पर जाकर उसका दीदार करना, उसका दर्शन करना, उससे क्या होगा? भगवान विष्णु और ब्रह्मा कहते हैं, 33 कोटि देवताओं के पास जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला, पर शंकर के दरवाजे पर भाग्य देवी रोज प्रतिदिन झाड़ू लगाती है। कौन झाड़ू लगाती है? भाग्य देवी। आपसे निवेदन है, बहुत सुंदर कथा, इसे समझना कि विष्णु ब्रह्मा राम कृष्ण आदि आदि 33 कोटि देवताओं के पास तुम चले जाओ, कोई तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। हां, अगर भाग्य देवी का तुम स्मरण करो, किसी मंदिर में जाना तो ये भगवान से कहना, भगवान लक्ष्मी दो, भगवान से लक्ष्मी मत मांगना, भगवान से कहना मेरा भाग्य ऐसा कर दो या भाग्य देवी की कृपा मुझ पर बरसा दो जिससे मेरा भाग्य बदल जाए, कुछ अच्छा हो जाए मेरी जिंदगी में। तो जाके शंकर के मंदिर के बाहर खड़े हो, भाग्य देवी माँ झाड़ू लगाती है, भाग्य देवी उनकी चौखट पर बैठी रहती है, तू जा, उससे क्या होगा? बस देवता तो तेरी जिंदगी बदलने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं, पर तेरा भाग्य नहीं बदल पा रहा, तेरा भाग्य बदलेगी तो भाग्य देवी ही बदल गया। शिव मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता, भीड़ होती तो दरवाजे से दर्शन कर लेता, बाबा से नयन मिलाता, रोज प्रतिदिन जाता। एक दिन शंकर जी ने भाग्य देवी से कहा, देवी इसका भाग्य बदल दो। देवी कहती है, भोलेनाथ इसकी किस्मत में ब्रह्मा जी ने यही लिखा है दुख, इसकी किस्मत में ठोकरें खाना ही लिखा है। भाग्य देवी
तुम मेरे दरवाजे की झाड़ू लगाती हो, आज इसके भाग्य की झाड़ू लगाइए। भाग्य देवी ने कहा, भोलेनाथ आप कह रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।